नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि एक्स वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है किस बारे में। यहाँ पे एक्स थ्योरी क्या है, वाई थ्योरी क्या है देखेंगे। डोगलास मैकग्रेगर, प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एट MIT, उनका किताब द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज केम इन टू फेम इन अराउंड 1950, 1950 के दौरान ये प्रचलित हुआ। मैकग्रेगर साहब जो थे was very much interested in what motivates a human to do work. यानी कि मैकग्रेगर साहब बहुत ज्यादा रुचि रखते थे ये जानने में कि एक इंसान को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कोई काम करने के लिए, क्योंकि सारे इंसान काम करते नहीं और जो करते हैं वो कैसे करते हैं। He was very much interested in how our belief affects our behavior and how our behavior affects the behavior of people around us. ठीक है, तो देखते हैं थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स एक्चुअली उस समय का मैनेजर्स लोग का बिलीफ था अपने वर्कर के प्रति, वो एक जनरल ह्यूमन के प्रति जो बिलीफ था वो ही है। तो थ्योरी एक्स क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि एवरेज ह्यूमन इज इंडोलेंट, लेजी एज फक, मतलब कि जो आमतौर पे इंसान है वो बहुत आलसी होता है। ही लैक्स एम्बिशन, डिसलाइक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफर्स टू बी लेड, मतलब उसके अंदर एम्बिशन नहीं होता, उसे जिम्मेवारी बिल्कुल पसंद नहीं और वो चाहता है कि कोई दूसरा उसे पथ दिखाए। ही इज इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड, इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, मतलब कि वो जन्मजात ही सेल्फिश होता है, खुद के लिए हमेशा सोचता है, कंपनी को क्या चाहिए, किसके लिए काम कर रहा है, समाज को क्या देना है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज एडमेंट बाई नेचर, रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब एकदम सख्त होता है, ऐड़ा होता है, टेढ़ा होता है, मतलब जिद्दी होता है, उसको आप चाह के भी बदल नहीं सकते, उसका जो मन है वही करेगा। ही इज गलीबल, नॉट वेरी ब्राइट एंड डिमागक, मतलब भोथा होता है, ज्यादा तेज नहीं होता है। और थ्योरी एक्स से कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन यह है कि दे मस्ट बी परसुएडेड, रिवॉर्डेड, पनिश्ड, कंट्रोल्ड, देयर एक्टिविटीज मस्ट बी डायरेक्टेड। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि उनको जो है थोड़ा बुद्धू बनाना पड़ता है, पुलाना पड़ता है, रिवॉर्ड देना पड़ता है या सजा दे के या कंट्रोल में रख के उनका जो एक्टिविटी है उसको दिशा देना पड़ता है ताकि वो कुछ भूल भाल काम ना करे। तो ये जो था एक जनरल बिलीफ था। इससे होता क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स ब्रीड्स काउंटर फोर्सेस, न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन है कि आप अगर फोर्स लगाएंगे तो उधर से प्रति फोर्स भी आएगा, है ना। तो होता क्या है कि एक साइकिल तैयारी होता है कि जो थ्योरी एक्स बिलीव्स मानता है वो क्या करता है, कंट्रोलिंग प्रैक्टिसेस लगाता है और कंट्रोलिंग प्रैक्टिसेस की वजह से इम्प्लॉयज जो है रेजिस्टेंस देते हैं, वो काउंटर फोर्स देते हैं और काउंटर फोर्स की वजह से रिजल्ट जो होता है पुअर आता है और पुअर रिजल्ट आने की वजह से थ्योरी एक्स का बिलीव और पक्का हो जाता है और ये साइकिल चलते ही जाता है। तो इसके बाद आता है थ्योरी वाई जो मैकग्रेगर साहब ने दिया। वो क्या बोलता है कि द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट, मतलब कि जो दैहिक और जो माथा का काम है, जो मेहनत है एक काम करने में, वो उतना ही आसान है जितना खेलने और आराम करने के टाइम जो मेहनत करना पड़ता है। दूसरा कि एक्सटर्नल कंट्रोल एंड थ्रेट ऑफ पनिशमेंट आर नॉट द ओनली वेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, मैन विल पुट सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इन द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू विच ही इज कमिटेड और इंटरेस्टेड, मतलब कि बाहरी कंट्रोल और खाली ऐसा डरा धमका के ही आप ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं निकलवा सकते। इंसान जो है खुद से मेहनत करेगा, खुद से खुद को कंट्रोल में रखेगा कंपनी का काम के लिए, अगर उस काम में उसका मन हो या फिर करने से उसका भी कोई फायदा हो। तीसरा कि द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द एवरेज ह्यूमन बीइंग इज ओनली पार्शियली यूटिलाइज्ड, मतलब कि ये आइंस्टाइन का कहा हुआ है कि इन्होंने फिर से कहा है कि हमारा जो दिमाग है असल में जो उसकी काबिलियत है उसका हम लोग कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। चौथा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डायरेक्टेड टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि अगर उसका ईगो सेटिस्फाइड हो, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, अच्छा उसको वो जो रिवॉर्ड एसोसिएटेड मतलब एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से जो रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है वो अगर उसको मिले तो वो इंसान जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हंसी खुशी कर देगा।
पांचवा, द एवरेज ह्यूमन बीइंग अंडर परफेक्ट कंडीशन नॉट ओनली एक्सेप्ट बट ऑल्सो सीक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि एक ह्यूमन है, सही अगर कंडीशन हो, प्रॉपर कंडीशन हो, तो जिम्मेवारी सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता, जिम्मेवारी मांगता भी है। वहां पे प्रॉपर कंडीशन क्या है? प्रॉपर कंडीशन यही है कि इफ देयर इज समथिंग इन इट फॉर हिम, मतलब उस काम में उसके लिए कुछ है, उसको कुछ मजा आएगा, कुछ फायदा होगा तो। अच्छा, ये जो कंडीशन है इतना, इसको पढ़ के लगता होगा कि आपको एक्स्ट्रा टैलेंटेड होना होगा या कुछ खास। तो यू नीड नॉट हाई बॉर्न और एक्स्ट्रा टैलेंटेड 1% ह्यूमन बीइंग, दिस इज फॉर एवरीवन। मतलब आपको बड़ी जात का या फिर वो खास टैलेंटेड खाली गिने चुने लोगों में नहीं होना होगा, ये सबके लिए सही है। कंक्लूजन वाई थ्योरी से क्या मिलता है? कंक्लूजन कंपनीज के लिए ये मिलता है कि अरेंज थिंग्स सो दैट इंडिविजुअल्स कैन अचीव देयर ओन गोल्स एंड हैप्पीली accomplish द ऑर्गेनाइजेशन्स गोल एट द सेम टाइम। कि आप चीजों को कुछ इस तरह अरेंज कीजिए कि इंडिविजुअल जो है अपना गोल अचीव करे और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी एक ही टाइम पे कर दे साइमल्टेनियसली। ये जो एक्स वाई थ्योरी हम लोग पढ़े, ये कुछ कुछ सुना सुना लगता है। मास्लो का हायरार्की मॉडल जो हम लोग पढ़े थे उसमें भी ऐसा ही था। उसमें असल में वो जो ट्राइंगल था उनका हायरार्की मॉडल का, वहां पे थ्योरी एक्स, यहाँ का थ्योरी एक्स से समानता क्या है कि पहला नीचे का दो पिरामिड जो कि साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी, और थ्योरी वाई जो है लास्ट ऊपर का जो तीन है जो कि लव और बिलोंगिंग है, स्टीम और रिस्पेक्ट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्पिरिचुअलिज्म है, इससे मिलता जुलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ रिविजन के लिए था। आपको एक बार किताब में जाना पड़ेगा और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, तब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सॉलिडिफाई होंगे। रिवाइज करने के लिए आप यहाँ फिर लौट सकते ही हैं। और यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है या आपके सिलेबस में फ्लूइड थर्मो ये सब है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं फॉर्मूला रिविजन वीडियो बनाता हूँ, और भी कुछ कॉन्टेंट है जो आपके लिए काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।